हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूपी लेखपाल की 5300 पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है उसमें CCC अनिवार्य है या नहीं। दोस्तों, ये सवाल काफी लोगों का है। जब से मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की कि 5300 पदों पर यूपी लेखपाल की भर्ती होने वाली है, तो काफी लोगों ने एक ही सवाल पूछा है कि CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस बार CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य है या नहीं और भर्ती कब से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि प्रॉपर भर्ती ऑनलाइन कब से हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर डेली GK क्विज भी ला रहे हैं जिसमें सामान्य ज्ञान के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके रिटन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वीडियो और ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, क्योंकि दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से अपडेट सबसे पहले मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहला अपडेट तो मैं आपको ये दे दूं, ये थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि UP CCC की जो वेबसाइट है UP CCC.gov.in वो अपडेट हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है। आप जब इस वेबसाइट को खोल गए तो आपके सामने डैशबोर्ड कुछ ऐसा खुलेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे कॉलम प्रॉपर तरीके से दे दिए हैं, जैसे कि आप अपना नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म यहां से भर सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, ये कोई खास इतना बड़ा चेंज भी नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे। दोस्तों, बात करते हैं कि जो यूपी लेखपाल की भर्ती होने वाली है उसमें CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य है या नहीं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो मैंने पोस्ट की थी इससे पहली वीडियो की 5300 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब पहले लेखपाल की भर्ती होती थी उसमें CCC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पहले भर्ती होती थी लेखपाल की वो राजस्व परिषद व जिला अधिकारी करते थे। ये दोस्तों अमर उजाला के न्यूज़पेपर में भी छपा था, अगर आपने देखा हो तो। इस बार भर्ती होगी UP CCC द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। तो दोस्तों, इसमें इस बार CCC कंपलसरी है, यानी कि आपके पास CCC होना चाहिए जब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों UP CCC की भर्ती होती है उसमें CCC अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो दोस्तों, क्योंकि सभी कंप्यूटर बेस्ड वैकेंसी निकालता है UP CCC, जैसे कि हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी और ये वीडियो हो गया, और ये लेखपाल भी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एक वैकेंसी है, इसलिए इसमें CCC बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, जब इसके फॉर्म निकलेंगे तो इसमें CCC 100% मांगेगा, इसलिए आप अभी अप्लाई कर दीजिए। वैसे भी दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप 3 दिन में केवल CCC कैसे ले सकते हो। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अगली वीडियो में इसी बात के ऊपर लेकर आऊंगा, इसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा कि आप 3 दिन में CCC सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, ये तो हुआ CCC का सर्टिफिकेट की बात, अब बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, यानी कि कब से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, काफी लोग पूछ रहे थे कि स्टार्ट कब होंगे, फॉर्म स्टार्ट कब होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जुलाई के लास्ट वीक से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 5300 पदों के लिए प्रस्ताव UP CCC बोर्ड को भेजा जा चुका है और कहा जा चुका है कि भर्ती जल्दी से जल्दी निकाली जाए। और दोस्तों, जून तक जो सभी पद खाली हो चुके हैं, 3500 पद और 1800 पद खाली हो चुके हैं, इसलिए भर्ती जुलाई के लास्ट वीक तक आ जाएगी। आप लगा लीजिए 25 और 31 जुलाई के बीच में फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके ये दोनों डाउट क्लियर हो गए। अगली वीडियो में आपको CCC के ही रिगार्डिंग लेकर आऊंगा कि आपको कैसे CCC का एग्जाम क्लियर करना है सबसे ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम दिनों में। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।